साइड पे सारा पार्क बना हुआ है। हम जी छंगा मंगा फॉरेस्ट पार्क पहुंच चुके हैं। यकीन करो कि पूरा जंगल इस वक्त ग्रीनरी से भरा हुआ है। मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप यहां पे आएं, इंजॉय करें। यकीन करें कि बहुत मज़ा आ रहा है यहां पे। सुबह सुबह आने का अपना ही मज़ा है। और एक और आपको बात बताऊं कि झील खुलती है सुबह 8 बजे। आपने यहाँ पर अगर आना है तो 8 बजे से पहले आएँ, लेकिन साइडों पर आप घूम फिर लें जंगल में, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट पार्क में आप इंटर नहीं हो सकते 8 बजे से पहले। हम तो अपने रेफरेंस के ज़रिए से तकरीबन को आधा घंटा खजल खुआर होने के बाद एंटर हो गए हैं, क्योंकि ना शूट करनी थी। जहन यही था कि सुबह सुबह जो पहुँचें।
इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको 1866 में लगाना शुरू किया था चांगामांगा के जंगल को, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि इसको लगाने का मकसद यही था कि रेलवे को ईंधन फराहम करना। रेलवे का जितना भी निज़ाम था कदीम ज़माने में कोयले पे चलता था, तो इस वजह से इस जंगल को लगाने का मकसद ये था कि इसको इससे ईंधन फराहम की जा सके। 1888 तक जो है ना, यहाँ पर बेशतर हिस्सा जो जंगल का था वो शीशम का था। यहाँ पे शीशम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तकरीबन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि शीशम जो है ना चांगामांगा जंगल में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे तूत, सिंबल और चीड़ के दरख्त वगैरह इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। जो चांगा और मांगा नाम कैसे रखा गया है, ये सुनने में आया कि दो जो है ना भाई थे, डाकू भाई थे, एक का नाम चांगा था और एक का नाम मांगा था। यहाँ पर वो लोगों को लूटते थे, मतलब ख़तरनाक जंगल था, उसी के हवाले से इसका नाम भी चांगा और मांगा रख दिया गया। इसका जो कुल रकबा है वो 12,510 एकड़ है और यहाँ पे 1888 से लेके 1936 तक जो है ना शीशम का दरख्त बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का पेशा बन गया शीशम को लगाना, वहाँ से पैसा कमाना, जो आमदनी कमाना। वो यहाँ के जितने भी जंगली लोग हैं जहाँ जंगल में रहते हैं, वो अपना जो उनका रोज़गार का ज़रिया था वो यही था। ये आप मेरे बैक साइड पर बिल्कुल देख रहे होंगे, इंजन खड़ा होगा ये वाला, तो इस जैसा ही इंजन यहाँ पे छोटा सा चलता है। तो ये बेसिकली है तफरीगाह, जो लोग इधर घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए बनाया हुआ। ये मेन रोड जो चूनिया और चांगामांगा रोड है ना, लाहौर रोड, वहाँ से आता है ये इधर चांगामांगा फॉरेस्ट पार्क में। तो इसकी जो बड़े की टिकट है वो 40 रुपये है और जो छोटे की टिकट है वो 5 साल से 10 साल के बच्चे के लिए वो है 20 रुपये। तो ये चलता भी सिर्फ संडे वाले दिन है, या कोई भी सरकारी छुट्टी हो उस दिन चलता है या संडे वाले दिन चलता है। ओवरऑल मतलब नहीं चलता, जैसे ईद वगैरह हुई वहाँ तब भी चलता है। ये सारा प्लेलैंड एरिया, अभी फ़िलहाल वीकेंड नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे इतना कोई रश नहीं है। वैसे भी हम सुबह सुबह तकरीबन पहुँच चुके थे, तो अभी तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। ये एक मीनारे पाकिस्तान की याद में यहाँ पर छोटा सा मीनारे पाकिस्तान बनाया हुआ, और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो सामने मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। ये अगर आप जब मेन गेट से एंटर होते हैं तो ये चौक बना हुआ है जहाँ से आप मुख्तलिफ़ सिमतों में फॉरेस्ट पार्क की जा सकते हैं। जैसा कि ये सामने जो भी आप देख रहे हैं ये झील की तरफ जा रहा है जहाँ पे बोटिंग वगैरह है, और इस साइड पर जो ये नहर की तरफ जा रहा है और ये सारे बच्चों के झूले लगे हुए हैं इस जगह पर, और इस साइड पर सारा पार्क बना हुआ है। ची ची ची, ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। मैंने तो साइडों पे देखा ही अभी, ओए कमाल यार, कमाल वैसे। हाँ झूले आ रहे हैं यार, वैसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो ये चेक करो। अभी सुबह सुबह पार्क में कोई भी नहीं आया हुआ, हम सबसे पहले जनाब आके यहाँ पे खाली पार्क का एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी साकब भाई इधर रेडी हो रहे हैं, कैप शैप ले रहे हैं अपनी नाद की शूटिंग के लिए, वो भी हो जाते हैं। आ
यार वैसे लोकेशन भी बड़ी प्यारी है जी। मेरी वीडियो जरूरी चाहिए बड़ी स्पीड मारी मजे 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 यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने शहर की तरफ, तो इस वीडियो से उम्मीद है कि आप भी पुरलुत्फ़ हुए होंगे। तो मैंने तो बड़ा इंजॉय किया है, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट है कि आपने इतनी जल्दी मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कर दिए। क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे जो है ना 3 महीने में सिर्फ इतने सब्सक्राइबर मिल जाएं, और मेरा चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया था कुछ दिन पहले। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी वीडियोस ऐसी अच्छी अच्छी लेकर आऊँगा। आप भी कभी आएँ इधर, चक्कर लगाएँ, इधर हमारा पास ही शहर है। कंगनपुर से मैं आया हूँ इधर छांगा मांगा जंगल में, तकरीबन को 50 किलोमीटर। अगर आप कहीं दूर से आएँ तो मेरे पास ज़रूर विज़िट करें, और इंशाल्लाह आपको आपकी पूरी खिदमत होगी, आपको पूरा मज़ा आएगा। यहाँ पे अगर आप घूमने आए तो मुझे भी आप इधर भी बुला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।